दोस्तों नमस्कार, मैं विवेकानंद यादव आपका मित्र, आप मेरा मोटिवेशनल चैनल वाई BNY देख रहे हैं। आज मैं आपको अपने आप को किस प्रकार एकाग्रचित करें और एकाग्रता लाकर आप अपने किसी भी काम को, खासकर विद्यार्थी अपने आप को एकाग्रचित होकर पढ़ाई करें और अव्वल परीक्षा में आवे, इस विषय पर मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों अगर आप अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें और बेल दबा दें। मैं आज खासकर उन छात्रों को ये बताना चाहता हूं कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका दिमाग इधर उधर भटकने लगता है, आप एकाग्रचित होकर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो और आप कभी मोबाइल चलाते हो, कभी खेल के बारे में सोचते हो, कभी म्यूजिक सुनते हो, कभी व्हाट्सएप चलाते हो, कभी फेसबुक चलाते हो, तरह तरह का आप मनोरंजन का साधन अपने पास रखते हो और उसका इस्तेमाल करते हो। दोस्तों मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूं कि आप 2 घंटा 3 घंटा का समय निश्चित करें कि मुझे इस समय में केवल पढ़ाई करनी है, उस समय पर मुझे किसी भी तरह का मनोरंजन के कोई भी साधन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप अपने आप को पुस्तक के प्रति एकाग्र होकर अपने दिमाग को शांत करके अपने आप को समर्पित करके आप पढ़ाई करते हो तो जीवन में सफल होते हो। दोस्तों जीवन में सफल होने के लिए थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, कठिन से कठिन मेहनत करने के बाद आप सफल होते हो। एक समय है, एक उम्र है, जिस उम्र तक ही आप पढ़कर किसी मुकाम को हासिल कर सकते हो। दोस्तों जब वो समय निकल जाता है तो बड़ी पछतावा जिंदगी में होती है और उस वक्त आपको महसूस होता है कि मेरे अभिभावक ने मुझे सब कुछ दिया मगर हमने अपने आप को समर्पित कर पढ़ाई नहीं करने के कारण आज मैं असफल हूं, मेरी जिंदगी आज आम लोगों से पीछे चल रही है। तो अगर आप एकाग्रचित नहीं हो पाते हो तो उसके लिए मैं साधारण सी बात आपको बताना चाहता हूं कि आप मेडिटेशन करो। आप मेडिटेशन करते हो तो आपके अंदर में शांत प्रवृत्ति का शुरुआत होगा। आप ये तय मान लें, अगर उसके बावजूद आप में शांति नहीं आती है तो अलोम विलोम कर लें, उसके बाद आप नहीं तो आप एक कैंडल जला दें, और कैंडल को जलाकर टेबल के सामने रखकर आप अपने चेयर पर बैठ के सीधा अपने आप को उस लौ पर केंद्रित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एकाग्रता धीरे 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 बनने लगेगा और आप अपने आप को महसूस करोगे कि आपके अंदर में शांति प्रवृत्ति। मैं ये नहीं कहता कि आप मत खेलो, मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल मत चलाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप म्यूजिक मत सुनो, मैं ये नहीं कहता कि आप टीवी मत देखो। आप सारे मनोरंजन का ख्याल रखें, सारे वस्तु का इस्तेमाल करें। आज मोबाइल में सारे वो चीज हैं जो आपको चलाना ही पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी हो जाती है, इसलिए कि आप वैकेंसी हो, फॉर्म भरना हो, किसी भी तरह का उपयोगी
काम आप मोबाइल से करते हो, करना ही पड़ेगा, ये एक निश्चित समय तय करें। आप 2 या 3 घंटा पढ़ने का एक समय निश्चित करें, जिस समय में केवल केवल पढ़ाई करें। इससे आपके अंदर में गुण आवेगा, आप अच्छे बनोगे, आपके अभिभावक अच्छे बनेंगे। और मैं थोड़ी सी बात अभिभावक के लिए कहना चाहता हूं, जब बच्चे घर में पढ़ें तो घर के माहौल को अभिभावक का दायित्व बनता है कि शांत रखें, अभिभावक का दायित्व बनता है कि टीवी न चलावे, अभिभावक का दायित्व बनता है कि गप्पे न मारे, अभिभावक का दायित्व बनता है कि माहौल शांत हो, जिससे बच्चे का, छात्र का, छात्राओं का दिमाग इधर उधर न भटके। दोस्तों, दिमाग को अस्थिर करके एकाग्रता लाके आप अगर पढ़ाई करते हो तो मैं दावे के साथ लिखकर आपको देने के लिए तैयार हूं कि आप अपने जीवन में अव्वल आओगे, आप अपने जीवन में सफल होगे, आप देश का नाम रोशन करोगे, आप अभिभावक के नाक को ऊंचा करोगे। ये मैं विवेकानंद यादव लिख के देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मेरे डाले वीडियो से आप प्रेरणा लें। और आप प्रेरणा लेकर, मैं अब तक 40 से ऊपर वीडियो आपको प्रेरित करने के लिए डाल चुका हूं, जो आपको प्रेरणा लेनी है। और आप आज एकाग्रता के बारे में हमने बताया, मैं फिर आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। आप अगर मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और आप शेयर भी करें। धन्यवाद।